हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन स्क्रीन क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर टू हाइड्रोजन आटम द इलेक्ट्रॉन इन ईच दो हाइड्रोजन ऐटम ठीक है ये मान लो ये पहला ऐटम है और ये दूसरा ऐटम है या सपोज द इलेक्ट्रॉन इन ईच ऐटम इज एन एक्साइटेड स्टेट इज इट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू हैव डिफरेंट एनर्जीज बट सेम और बाइटल एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जिस टिफॉर आंसर जस्ट सपोज यहाँ पे जो एनर्जी है वो ई वन है जस्ट सपोज क्या होता है ई वन का फॉर्मूला माइनस थर्टीन पॉइंट सपोज यहाँ पे और जो इलेक्ट्रॉन है वो एन वन ऑर्बिट में है जस्ट सपोज एन वन कोई वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर दूसरे एटम में इसकी एनर्जी ई टू है ये कितनी हो जाएगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स और यहाँ पर जी सपोज एन कोई दूसरे ऑर्बिट में है मान लो यहाँ यहाँ पे मान लो सेकंड में है तो जैसे सपोज यहाँ पे थर्ड में ऐसा अपन मान लेते हैं ठीक आपको क्या पता है एन वन इज नॉट इक्वल टू एन टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर नहीं है विल दे हैव द सेम एंगुलर मोमेंटम अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम एल का जो फॉर्मूला होता है एम वी वो कितना होता है एन अपॉन टू पाई भाई अब क्योंकि एन की वैल्यू अलग है एच इज अ प्लैंक्स पाई भी प्लानेंट है तो कहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम कंप्लीटली डिपेंड करता है एन की वैल्यू पर सो इफ द वैल्यू ऑफ एन इज डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम विल ऑल्सो बी डिफरेंट सो इसका आंसर होगा नो इट कैन नॉट बी सो बिकॉज एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन सिंस इट इज डिफरेंट फॉर बोथ द हाइड्रोजन atom i yeah, hydrogen electron therefore angular momentum is not uh, same i hope it is clear to you thank you for watching bye bye keep loving keep supporting